अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और तमाम मुश्किलात से आपको दूर कर दे। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के साथ, ये पुरानी वीडियो है मेरे पेरेंट्स के घर की, तो मैं अपनी अम्मी के साथ जा रही हूँ रुकी हॉस्पिटल अपने दांतों के चेकअप के लिए। तो इस वक्त हम घर से निकल चुके थे और जो है हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तो थोड़ी ही देर में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और फिर हम जो है सबसे पहले ओपीडी में जाएंगे, फिर फार्मेसी में जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ हॉस्पिटल की वीडियो शेयर कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं आपके साथ मज़ीद इसकी जो है एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी हम गए थे, तो उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। फिर हम करके अखियों किनारे डूबे हैं सितारे, अश्क ढले ना ढले मौला वे जब तू ही तू है, फिर ये क्यों आँख में आंसू है, प्यार है जब तेरा जलवा, फिर जुदाई क्यों हर सू के पीछे बैठे पानी के साथ गुनगुनाना, ढाबे पे चाय की चुस्कियां लेते यूं ही उलझ बस जाना। तो जी ये है, अब हम तकरीबन हॉस्पिटल के पास आ चुके हैं, तो इस बाजार की एक स्पेशलिटी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और हमारा तकरीबन हम जो है पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल के करीब में, ये हमारा हॉस्पिटल आ गया और ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, स्पेशली जो है ना ऑर्थोपेडिक के लिहाज से तो बहुत अच्छा, जिनकी कमर में मसला होता है, कमर की मोहरों में और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, तो ये बेस्ट हॉस्पिटल है। तो फिलहाल ये हमारा घर से करीब था इसलिए हमने इसको जो है दांतों के चेकअप के लिए भी प्रेफर किया था। तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अगर किसी की कमर में या जो है ये मोहरों वगैरह का कोई मसला है कमर की या कुछ भी है तो आप इधर आ सकते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं, तो आप ज़रूर आइएगा अगर किसी का कोई मसला है तो। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये। और अब हम रिसेप्शन पे जाएंगे और अपने जो एंट्री करवाएंगे और फिर उसके बाद हम ओपीडी जाएंगे। तो जी ये था ओपीडी, हमारा डेंटल ओपीडी था जहाँ पे मैंने अपना चेकअप करवाना था, डॉक्टर को सारा चेकअप करवा दिया था। अब उन्होंने हमें कहा था कि आप लाहौर मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो वहाँ से एक्सरे वगैरह होगा ये वो, तो आगे की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फिर आप कुछ मेडिसिन दे देंगे लिख के देंगे, वो हम अब फार्मेसी जा रहे हैं, वहाँ से लेके आएंगे, फार्मेसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये है अपर साइड इसकी, तो यहाँ पे जो है कुछ वार्ड्स भी आते हैं, कुछ जो है ओपीडीज हो रहे हैं, तो ये स्पेशली जो है ये ऑर्थोपेडिक का है। तो यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं चेकअप करवाने के लिए। तो आप अगर किसी के साथ भी कोई ऐसा मसला है तो आप ज़रूर आएँ, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं बहुत जो हैं कॉम्पिटेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो जो लोग नहीं पे कर सकते हैं, जिन लोगों के माली हालात इजाज़त नहीं देते हैं, तो ये उनको जो है सपोर्ट भी करते हैं थोड़ी बहुत ना, जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनके इलाज में, उनकी जो है आगे ट्रीटमेंट वगैरह जो होता है वो बिल्कुल फ्री भी कर देते हैं। तो अब जो है हम चलते हैं ऊपर, ऊपर देखिएगा कितना रश होगा, अभी भी ये बिल्कुल रश नहीं है लेकिन सुबह सुबह जब आते हैं तो इतना रश होता है यहाँ पे कि अगर आप सुबह 6 बजे तक आपको जो है वो मिलती हैं टिकट्स वगैरह जो होती हैं इनकी, जो भी एंट्री होती है ओपीडी के लिए, जो ऑर्थोपेडिक का जो होता है डॉक्टर्स को चेक करवाने वाला, सुबह 6 बजे तक होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। Thank you.
अपशारों के पीछे बैठे पानी के साथ पर रब्ता करें फार्मेसी टोकन नंबर 260 काउंटर नंबर 1 पर रब्ता करें टोकन नंबर 272 काउंटर नंबर 2 पर रास्ता करें। तो ये जी हम बाजार आ गए थे, रास्ते में बाजार भी आता है, बाजार में से गुजरते हैं हॉस्पिटल के पास। तो ये जो बाजार है इसकी स्पेशलिटी ये है, ये लाहौर वाली साइड से पाकिस्तान का आखिरी बाजार है, इसके बाद जो है आगे वाघा बॉर्डर स्टार्ट होता है और इंडिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहने के पाकिस्तान का आखिरी बाजार है लाहौर वाली साइड से। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, और मतलब कोई स्पाइसेस वगैरह से रिलेटेड ली थी, और फिर हम वापस घर चले गए थे। आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।